हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे टी बीम में यानी आरसीसी के टी बीम में कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी स्टेप के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हम स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा फिर समझ में आपको आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बता दिया स्टेप बाई स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस इफ विथ ऑफ फ्लैंज 2000 mm, डेप्थ ऑफ फ्लैंज 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम 640 mm, एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया 4909 mm² एंड बेंडिंग मोमेंट 14 × 10⁴ Nm एंड मॉडुलर रेशियो 12। तो ये वैल्यू यूज करते हुए हमें निकालना है स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील में। तो जो भी वैल्यू पहले गिवन है उसे हम लोग लिख लेंगे। गिवन वैल्यू क्या क्या है, विथ ऑफ फ्लैंज 2000 mm, विथ ऑफ फ्लैंज को हम लोग बीएफ से डिनोट करते हैं 2000 mm, डेप्थ ऑफ फ्लैंज DF 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी 640 mm, एरिया ऑफ स्टील AST 4909 mm², बेंडिंग मोमेंट 40 × 10⁴ Nm। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो यूनिट है न्यूटन मीटर है, लेकिन हमेशा हमें न्यूटन मिलीमीटर में लेके चलना है। इसे हम चेंज कर लेंगे, जब इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 40 × 10⁷ Nm, क्योंकि एक मीटर में 10³ मिलीमीटर होता है यानी 1000 mm, तो वो 3 यहाँ प्लस हो जाएगा। स्मॉल m का वैल्यू दिया गया है 12। सिग्मा सी बी एंड सिग्मा एस टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या है सॉल्व करने का। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में क्रिटिकल नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्रिटिकल का फॉर्मूला होता है x = m σ cb d / m σ cb + σ st। उस फॉर्मूले में सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी यूज किया गया है। जब तक हमें सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी नहीं मालूम है, तब तक हम क्रिटिकल नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी अननोन है, वही हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम सी एन ए यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो जब वो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारा जो एक्स है वो फ्लैंज में है या वेव में है। तो यहाँ पर हमें अपने से एज्यूम करना होगा। आप मान लेंगे कि जो आपका एक्स है वो फ्लैंज में है या वेव में है, पहले आपको अपने से मानना होगा। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम वहाँ से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो आप पहली बार कुछ भी मान लेंगे, चाहे फ्लैंज में मानिए और चाहे वेव में मानिए, जो भी मानेंगे आप वहाँ लिख देंगे, और मानने के बाद हम जब उसे सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे कि क्या हमने जो माना हुआ है, जो एज्यूम किया हुआ, वो सही है या नहीं। तो हम यहाँ पर चलिए मान लेते हैं, लेट एक्स इज इन फ्लैंज। हमने मान लिया कि एक्स कहाँ पर है, फ्लैंज में है। जब फ्लैंज में मानेंगे अगर हम, तो वहां पर जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, BF × x² / 2 = MAST d - x। अगर हम फ्लैंज में मानेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर वेव में मानेंगे तो क्या लगाएंगे, BF × DF × वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, BF × DF × x - DF/2, ठीक है, = MAST d - x। वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने फ्लैंज मान लिया है इसलिए हम फ्लैंज वाला फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, BF का वैल्यू है 2000 x² / 2, m का वैल्यू 12 × AST 4909
डी डी का वैल्यू दिया गया है 640 माइनस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर, इसे इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, यहां से एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं आपको, यहां पर आप एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के टाइप का इक्वेशन बना हुआ है, यहाँ पर हम श्री धचा का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, इस फॉर्मूले से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहां से x का वैल्यू आ गया 386। एक बार इसे फिर से चेक कर लेते हैं 386 आएगा या नहीं। b स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू सी अंडर रूट आंसर माइनस बी 58908 अपान में 2a 200 386 आ गया। ये एक चीज हमने और मिस्टेक किया, यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये, इसीलिए x का इतना ज़्यादा वैल्यू आ रहा था, एक जीरो और हो जाएगा यहाँ पे। इसे फिर से सॉल्व करते हैं क्या आएगा देखिए, वन सिक्सटी सेवन आ गया। अब इस x को हम देखेंगे कि ये df से कम है कि नहीं। x इज इन फ्लेंज तब होता है जब x का वैल्यू df से कम होता है, तो x का वैल्यू 167 है और df का वैल्यू 200 mm है, यानी इस x का वैल्यू df से कम आया और x का वैल्यू df से कम मान करके ही मैंने इसे सॉल्व किया है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगर मान लीजिए इस x का वैल्यू जो 167 आया हुआ है ये इस df से ज़्यादा आ जाता, तो हमें इसका मतलब क्या है कि फ्लैंज में नहीं है वेव में है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमें फिर से निकालना होता, क्यों, क्योंकि वो वेव में आ गया। तो वेव के लिए हम फॉर्मूला तब ये नहीं यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, फिर से निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस और वहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स माइनस डी एफ बाई टू इज इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स, यानी वो फॉर्मूला यूज करेंगे जब एक्स वेब में होता है। ठीक है, लेकिन ये फ्लैंज में हमने मान करके सॉल्व किया और ये फ्लैंज में ही आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल हमने सही सॉल्व किया हुआ है, आगे हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फ्लैंज में ही, जो एक्स इज इन फ्लैंज वाला ही यूज करेंगे, यानी जब फ्लैंज में स्थित होता है उस टाइम पर जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया हूँ मैं आपको वही यूज करना है।
और यहाँ पर हमें ये नहीं चेक करना है कि बीम अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी जिस भी क्वेश्चन में निकाला जाता है उस क्वेश्चन में हम ये नहीं चेक करते कि बीम ओवर एनफोर्स्ड है या अंडर एनफोर्स्ड है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम बैलेंस्ड बीम मान कर सॉल्व करते हैं और बैलेंस्ड बीम में कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस में या टेंसाइल, कंप्रेसिव एरिया में निकालिए या टेंसाइल एरिया में, ठीक है। तो अब हमें MR का वो फॉर्मूला यूज करना है जब X इज इन फ्लैंज, यानी फ्लैंज में स्थित होता है, उस टाइम हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं BF इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं क्योंकि मैंने इसको बैलेंस्ड भी मान लिया, तो बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के स्थान पे हम ये जो बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी एफ का वैल्यू है 2000, एक्स का वैल्यू हमेशा यही लेके चलेंगे 167, सिग्मा से भी हमें निकालना है बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, डी का वैल्यू है 640 माइनस 167 बाई थ्री। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिए, 40 इंटू 10 की पावर 7, इस ये दो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा जब इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 2000 इंटू 167 इंटू 640 माइनस 167 बाई थ्री इक्वल टू सिग्मा सी बी। यहाँ से सिग्मा सी बी हमें मालूम चल जाएगा, 40 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 2000 इंटू 167 डिवाइड बाई 640 माइनस 167 बाई थ्री, ये आ गया 4.09 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सिग्मा एसटी, तो सिग्मा एसटी के लिए आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे सिंपल वही मेथड है जिससे हमें सिग्मा एसटी मालूम चल जाएगा। तो सिग्मा एसटी के लिए आप फॉर्मूला CNA का यूज करेंगे, क्या होता है, x इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। एक्स का वैल्यू आप 167 रखेंगे, स्मॉल एम का वैल्यू 12 मालूम है हमें, सिग्मा सी बी 4.09 इंटू डी का वैल्यू है 640 डिवाइड बाई 12 इंटू 7 प्लस 7 सॉरी 4.09 प्लस सिग्मा एस टी। यहाँ से हम सिग्मा एस टी सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस निकालना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि x इज लेस देन df, x का वैल्यू df से कम है, सॉल्व किया x का वैल्यू 167 आ गया। मैंने एज्यूम किया था कि x का वैल्यू df से कम है, सॉल्व करने के बाद भी हमें पता चला कि df का वैल्यू 200 है और 200 से ये कम है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो जब ये सही है तो हम यहाँ जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे वो x इज लेस देन df का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये x का वैल्यू इस 200 mm से ज़्यादा हो गया है, यानी x इज ग्रेटर देन df, तो हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फिर से निकालना होगा, यानी x इज ग्रेटर देन df। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तब आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे
यानी x का वैल्यू हमें फिर से निकालना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है बी एफ इंटू डी एफ एक्स माइनस डी एफ बाई टू इज इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एक्स, वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये नहीं यूज करेंगे, फिर x इज ग्रेटर देन डी एफ का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बी एफ इंटू डी एफ सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा सी वी डैश बाई टू इंटू डी माइनस बाई वन, फिर उस फॉर्मूले से हम सिग्मा सी वी निकालेंगे, ठीक है।